शुरुआत करें फिर, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ शुरू कर देते रहे। कर दीजिए सर। वेरी गुड इवनिंग, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ पूसा रोड सीपी स्टडी सर्कल ऑन टूडेज सब्जेक्ट और वेबिनार ऑन जीएसटी ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ लैंड एंड कोलोबरेशन एग्रीमेंट, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट एंड द मेंबर्स हैव लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन दिस सब्जेक्ट ड्यू टू लॉट ऑफ चेंजेस एंड ड्यू टू सब्जेक्ट एंड ऑन दिस सब्जेक्ट वी हैव आवर वेरी वेरी लर्नेड एंड एक्सपीरियंस स्पीकर सी ए राजेंद्र अरोड़ा जी। राजेंद्र अरोड़ा जी डजेंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ही इज ए रीजनल काउंसिल मेंबर सेकेंड टर्म, बट स्टिल माई ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस हिम ब्रीफली। राजेंद्र अरोड़ा जी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ग्रेजुएट एंड एम कॉम, इज ए मैनेजिंग पार्टनर ऑफ स्पार्क एंड एसोसिएट एंड नेशनल हेड जीएसटी डिविजन इन द फर्म। ही इज ए प्रोलिफिक स्पीकर एंड बीबीसी रीडर, यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल नेम जीएसटी की राह में आपका दोस्त सी ए राजेंद्र अरोड़ा, नॉलेज पार्टनर विद क्लियर टैक्स एंड टैक्स फॉर वेल्थ, रिटन न्यूमरियस आर्टिकल ऑन जीएसटी ऑन टैक्स रूट टैक्स मैन एक्सेट्रा। ही इज प्रेजेंटली सर्विंग सेकेंड टर्म एज मेंबर ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई। ही हैज डिलीवर्ड 3000 प्लस लेक्चर वेबिनार एक्सेट्रा ऑन जीएसटी अक्रॉस इंडिया। ही वॉज चेयरमैन ऑन जीएसटी कमेटी ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई फॉर द ईयर 1920। ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ एनआईआरसी इन 1718 एंड ट्रेजरर इन 1819। He was associated with introduction of GST with Tata Motors, member of Delhi Celltex Bar Association. He provides consultancy, representational services, opinion, etc. on GST in the field of indirect taxes. He is heading many team indulge in research over GST, aims to simplify GST for the people to apply it smoothly and correctly. He suggests the changes to be made in GST law for correct application of essence of law. And in last but not the least, I got the opportunity to work with him earlier as a regional council member with him. I welcome you, sir. I welcome Sunil Damijaji, Mudit ji, and all the attendee. And with this, over to Rajendra Arora ji. Dhanyavad, sir. Dhanyavad. My esteemed colleague, CA Rajesh Agarwal ji, my elder brother, the convener and the whole soul who is working day and night tirelessly in the activities of Pusa Road Study Circle, and even when he was with me in the council term 15-18, Sunil Damija ji, Mudit ji, and all other participants who have come, spared their valuable time for this particular webinar on the topic, which is real estate, taxation of real estate, construction contracts, sale of land, and joint development agreements. I can see the range of people, the galaxy of friends who have joined from across the country. Even I could see that Shabir Mir has recently joined from Srinagar. Welcome, Shabir. And many other members are there who have joined this program. Sir was talking before the start. Rajesh sir, he's my elder brother. He was talking that the topic is somewhat not much explored, difficult, and people have lots of questions and apprehensions about the topic in the mind. So I replied, sir, स्वामी विवेकानंद जी हैज सेड कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय होता है, डर होता है, और डर को भगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसकी आंखों में आंखें डालें, उससे बात करें, उससे पूछें तुझे क्या चाहिए और मुझ में क्या कमी है जो मुझ में, यहां तू है मेरे सामने। तो आज मैं यही कोशिश करने वाला हूं कि इस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस की रूपी डर की आंखों में आके डालकर हम इससे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई तू क्या है, तू क्यों है, तू कहाँ है, तू किसके लिए है, और तू इसके लिए भी है या नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा और मैं आशा रखता हूं कि जो आम तौर पे इसके बारे में एक माइंडसेट है
वो एक पिक्चर क्लियर मैं आज आपके सामने करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप इसको और ज्यादा एक्सटेंसिवली, मैं मानता हूं कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आई वुड से डिफरेंट है, हालांकि 1 अप्रैल 2019 से नया स्कीम ऑफ टैक्स आया हुआ है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन 3/19 CTR ऑन 29 मार्च 2019. तो हम एक नोटिफिकेशन इसकी बात करेंगे, एक नोटिफिकेशन हम देखेंगे 11/2017 CTR. शुरुआत करने से पहले आमतौर पे मैं हमेशा कुछ आपको एक बेसिक्स, एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा देने की कोशिश करता हूं सभी दोस्तों को, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कोशिश करें पेन और पेपर ले लें, और नहीं तो जो व्यक्ति, जो दोस्त हमारे साथ हैं, कुछ लोग इसको चैट बॉक्स में टाइप करके डाल दें जो मैं आपको बताना चाहता हूं. देखिए, हम सबके सामने 40 महीने पहले ये नया कानून आया. इस कानून को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं. अब वो एक्टिविटीज सप्लाई है या नहीं है, उन पर GST लगेगा या वो एग्जेम्प्ट है, लगेगा तो किस रेट पर लगेगा, ये सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं. मैं उसका आपको एक वन लाइनर सोल्यूशन देना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन में सोल्यूशन देना चाहता हूं आपको. और ये मेरा मतलब अपना अध्ययन है, अपनी तैयारी है. आप लिखिए Section 7 + Schedule 1 - Section 11 - Schedule 3. जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग इसको टाइप करके चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं रिपीट करता हूं. Section 7 + Schedule 1 - Section 11 - Schedule 3 is equal to all activities which are supply plus taxable. All activities which are supply plus taxable. My dear friends, ये equation आपकी हर transaction के ऊपर लगानी जानी चाहिए, और इस equation से निकलकर जो भी बाहर आएगा वो supply भी होगी और taxable भी होगा. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं, इसकी जरा डिफरेंशिएट करते हैं. पहला सेक्शन 7. सेक्शन 7 ये कहता है कि कोई भी सप्लाई जो है, दैट मींस, बहुत बढ़िया चंदन सिंह जी, धन्यवाद आपका, आपने लिख के डाल दिया शेड्यूल 3 सेक्शन 11, बहुत बढ़िया. सेक्शन 7 ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ट्रांसफर, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो सप्लाई में सब कुछ इंक्लूडेड है, सेल है, ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है, रेंटल है, डिस्पोजल है, लीज है, सब इंक्लूडेड है. ठीक है जी, फॉर अ कंसिडरेशन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बाय ए पर्सन है. कंसिडरेशन का एक्सेप्शन लिखा है शेड्यूल 1 में. कंसिडरेशन का एक्सेप्शन लिखा है शेड्यूल 1 में. दोज ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड टू बी सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. सो यू फाइंड एन एक्टिविटी विच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, अप्लाई दैट एक्टिविटी विद सेक्शन 7. Check that activity, whether that activity falls in Schedule 1. Then, minus mein Section 11. Section 11 gives power to the central government to issue notifications
or to exempt goods or services from the whole or part from tax. Under Section 11, there are two notifications issued by the government. One, 2/17. First notification is 2/17 CTR. Second notification is 12/17 CTR. Now let's be very clear about it, my dear friends. These two notifications, 2/17 is talking about exempted goods, and 12/17 CTR is talking about exempted services. Section 11 got two notifications. Section 11 gives rise to two notifications, 2/17, 12/17. Exempted goods, exempted services. Check whether your activity falls under exempted goods or exempted services or not. If yes, minus. Result, zero. Nothing coming out. Minus Schedule 3. Schedule 3 is like mega exemption in service tax era. Schedule 3 is those activities which are neither to be considered as supply of goods nor supply of services. Very simple. Na wo supply of goods hai na services hai. Agar wo supply of goods nahi hai, services nahi hai, to un par GST bhi nahi hai. Ye negative list hai. Schedule 3. Minus kar de, negative list. Iske baad bhi agar aapki transaction zinda hai, तो भाई साहब वो सप्लाई भी है और टैक्सेबल भी है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड तो निकाल दी ना हमने, नोटिफिकेशन 2 भी निकाल दी और 12 भी निकाल दी गुड्स की सर्विसेज की. इसके बाद भी अगर कुछ बाहर निकल कर आता है तो वो एक्टिविटी सप्लाई भी है, क्योंकि सेक्शन 7 लगा हुआ है, और टैक्सेबल भी है. तो पहला तो आपको मैंने मंत्र दे दिया. दूसरी बात मैं आपके साथ जो करना चाहता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा नोटिफिकेशन 3/19 पे. 5 नोटिफिकेशंस के बारे में लिखिए. 5, 1/17, 2/17, 11/17, 12/17, 13/17, सेंट्रल टैक्स रेट्स. 5 नोटिफिकेशंस, 1, 2, 11, 12, 13, 5 नोटिफिकेशंस. माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी प्रैक्टिशनर जो जीएसटी में कुछ भी प्रैक्टिस करता है, उसके पास ये दोनों कहानियां होनी चाहिए. पहली, आपके सामने कोई एक्टिविटी आएगी, आप कैसे बताओगे इस पर क्या होना है? सबसे पहले तो आपको निकालना है सप्लाई है कि नहीं है. अगर कंसिडरेशन नहीं, आपको जी पैसा तो आया नहीं, शेड्यूल 1 तो नहीं है, आपको अच्छा सप्लाई तो है लेकिन नोटिफिकेशन 2 में गुड्स में तो नहीं है, कहीं सर्विसेज में तो नहीं है, वहां भी नहीं है, कहीं शेड्यूल 3 में तो नहीं है, वहां भी नहीं है, तो भाई साहब बाहर निकाल लो, सप्लाई भी है और टैक्सेबल भी है. 5 नोटिफिकेशंस भी होनी चाहिए आपके पास. पहली नोटिफिकेशन रेट ऑफ गुड्स की बात करती है, दूसरी एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात करती है, 11 रेट ऑफ सर्विसेज की बात करती है, और 12 एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की बात करती है, और 13 सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज की बात करती है. 13 टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज सर्विसेज. ये 5 अपडेटेड नोटिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों. जिसके पास नहीं है वो ध्यान रखे, जिसको भी अपडेटेड ये नोटिफिकेशन मेरे से चाहिए हो मुझसे मांग सकता है. मैं ये 5 नोटिफिकेशन अपडेटेड 31 December 2019 तक अपडेटेड है, टैक्समैन के सौजन्य से आप तक पहुंचा दूंगा. आप इसको अपने डेस्कटॉप पे रखें, प्रिंट निकाल के टेबल पे रखें. 31 December 2019, इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आई है, आपके लिए उपलब्ध है. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये दो चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा. अब हम जरा अपनी प्रेजेंटेशन पर जाते हैं. तो रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, यही तो हो सकता है इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड. दिस स्लाइड, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन. पीपल
start with the issues, questions. I am starting with the answers. This one slide is giving you the whole taxability of real estate transactions. But yes, we will discuss each and every activity which is written there. Three types of activities we would be talking. Construction and sale of residential commercial apartments. Construction and sale both of residential commercial apartments. Purely sale of land. Joint development agreements. Nowadays, in majority residential properties, what is happening is joint development agreements. Land owner and the developer join hands and they enter into an agreement. Our main focus would be this. Beautiful transaction, and we will try to do justice. So, first vertical of our discussion. I am giving you the judgment right away, and we'll discuss in detail in succeeding slides. But please do not leave the program, considering the fact that judgment is given in the first slide itself, the entire taxability is given in the first slide itself, then you would be missing the story. You know, my storytelling technique is, I'm giving you what has happened at the end. Then I'll go back into the memory lane and will take you, जैसे कि आजकल directions होती है ना फिल्मों की और web series की, आप देखते हैं ना, शुरुआत में दिखाते हैं कि आखिर में क्या हुआ और फिर वापस ले जाते हैं फ्लैशबैक में धीरे धीरे करके पिट्स एंड पीसेस में. तो मैं भी आपको शुरुआत में दिखा रहा हूं कि आखिर में क्या होगा, लेकिन फिर वापस ले जाऊंगा कि ये आखिर ये एंड निकला कैसे. आई होप आप एंजॉय करेंगे. सो जब कंस्ट्रक्शन और फिर सेल ऑफ लैंड फिर ज्वाइंट डेवलपमेंट, तो पहले वर्टिकल की बात करते हैं. कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन. इट इज कंसिडरेशन इफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सेल के लिए कंसिडर कंस्ट्रक्शन किया हमने और सेल कर दिया. अगर इसके लिए एडवांस पैसा आ गया बिफोर कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, देन इट इज लेवेबल टू टैक्स. वेरी सिंपल. I am the owner, I have got the land, I am developing it, converting it into flats or commercial apartments, offices. If I have received the money in advance before completion or the first occupation, then the entire money received by me is taxable. Koi doubt hi nahi hai. बिल्कुल क्लियर. व्हेन इवन अ सिंगल रुपी इज रिसीव्ड, प्लीज बेयर विद मी, बी विद मी. इवन अ सिंगल रुपी इज रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन, एंटायर मनी, एंटायर कंसिडरेशन विच इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ दैट प्रॉपर्टी वुड बी टैक्सेबल. व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन, माई डियर फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 5 टू द शेड्यूल 3, बताया ना मैंने आपको, सप्लाई तो है लेकिन शेड्यूल 3 में है नीदर गुड्स नॉर सर्विसेस. आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा क्या, पत्थर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए जाते हैं और ग्राइंड कर लिए जाते हैं, जो घर पे मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं, नहीं ना, दैट इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट ग्राइंडर. Similarly, the subject matter of this levy under section 9 is either goods or services. When there is no good, no service, no matter of GST, no matter of levy. When there is no matter of levy, no tax. Levy is the soul.
when a child is born, lily attracted, and then the value shall be determined, the applicable rate, the deduction in terms of input tax credit shall be allowed or not. This law is differently framed, unlike the VAT laws. In VAT laws, the tax payable is to be computed on the net tax. Net tax is computed after deducting the input tax credit from the output tax. But here, output tax and input tax are separate. That is why Section 50, Subsection 1 is amended prospectively with effect from 1st September 2020, wherein the interest is to be levied on the net tax cash paid in cash. Otherwise, even Odisha, Telangana High Court in case of Mega Engineering in 2018 itself said that the interest is to be paid on the gross value charged. No deduction of input tax credit. So the scheme of law is as such. So the moment levy is attracted, child is born. That is conceived. Child is born. Now body banti rahegi. Rate banega, value banegi, ITC hoga. So if it is Schedule 3 item, no tax is to be levied if entire consideration is received after. Now, sale of land, development and sale of plots. My dear friend, sale of land is again a Schedule 3 item. No GST. Nothing to worry. Joint development agreements, most beautiful. You know what? Beauty is always complex. And this is most beautiful. Simplicity doesn't attract eyes, but that is simple. And beauty attracts eyes, but that is complex. And joint development agreements are as such. Beautiful. क्यों राजेश भाई साहब, भगवान कृष्ण भी बहुत सुंदर थे लेकिन सर्व कला संपूर्ण थे. जी सर, जी सर. मैं आपके रास्ते पे चल पड़ा हूं सर. अरे सर, सर, सर. गीता जो है लगभग 10 बार पढ़ ली है मैंने. वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड. जब राजेश भाई साहब हमारे साथ रीजनल काउंसिल में थे, या हम कहें कि हम उनके साथ थे, तब से हमें ये इनका जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो भाई साहब ने पैदा कराई. चलिए जॉइंट डेवलपमेंट की बात करते हैं. सम अदर डे कृष्णा कॉन्शियसनेस. जी सर, जी सर. सो इसमें यहां पर दो इश्यूज आते हैं जी. जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट व्हेन द लैंड ओनर एंड द डेवलपर इज कॉल्ड प्रमोटर ऑल्सो. डेवलपर इज कॉल्ड प्रमोटर ऑल्सो. जॉइंट हैंड्स. So two type of transactions are emerging. One, there is a transfer, there is a supply on account of, on behalf of, by land owner also. Let's be very clear. There is a supply by the land owner also, and there is a supply by the developer or promoter, as the case may be, or whatever the name is. In by land owner, there is a supply of transfer of development rights. And in case of land or in case of developer, there is a supply of works contract. He is constructing. The agreement is as such. There is a 200 square yard property. The land owner invites promoter, ask him to construct the property. Give me 3 floors, 4 floors are constructed, take 1 floor, give me 3 floors, along with that some consideration, maybe 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 10 crores, according to the total value of the transaction. So there are two transactions happening. There are two supplies happening in this particular event. One, the land owner is transferring the development rights to the
promoter. Another, the promoter is supplying the services of works contract to the landowner in the form of construction activities. Are you getting my point, friends? So these are the activities, these are the transactions which are emanating from this particular event. When we talk of transfer of development rights by the landowner to the developer, it is taxable. Of course, a little dispute is there. We will talk about that. But the second limb of the transaction emanating from the event of joint development agreement is works contract, supply of services, works contract service by the promoter to the landowner. No iota of doubt about the taxability of the same transaction. Forget about it. Not even the iota, fraction of doubts. So, taxable, livable. First slide done, my dear friends, successfully. Successfully. When the first slide is done, first shot, first scene delivered, now the real story behind it. Now we are going into flashback. And we are trying to understand the various characters and the protagonist, the main character, jo mool, jo kirdar hai, wo ek hi hai, wo hai GST, keval GST. तो कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं. फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI, जितना कंस्ट्रक्शन होगा लैंड के ऊपर, दैट इज द FSI, फ्लोर्स, ग्रॉस फ्लोर एरिया. कारपेट एरिया, नेट यूजेबल फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल वॉल्स बट इंक्लूडिंग इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट. अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, affordable residential apartment, non-metropolitan 60 square meter, non-metropolitan 90 square meters, I beg your pardon, non-metropolitan 90 square meters, metropolitan 60 square meter, plus value up to 45 lakh in both the cases. Affordable housing is, affordable residential apartment is the one. If it is in non-metropolitan, then two conditions to be complied simultaneously. One, up to 90 square meter carpet area, plus up to 45 lakh value, non-metropolitan. Metropolitan, up to 60 square meter carpet area plus 45 lakh value. If it is, then it is an affordable residential apartment. Let's be very clear about it. Now, next definition. These are the terms used. Although, don't worry, I am writing a detailed article on the real estate transactions. Rajesh bhai sir, maine pura is par man bana liya hai. Very good. Jitni samasyaen iske upar aa rahi hain, main usko utni simplicity se members ke beech mein lekar jaunga. In question answer form. मैं मतलब बिल्कुल बहुत डिटेल आर्टिकल सा 7-8 पेज का मैं लिख रहा हूँ इन क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें मतलब सारी ट्रांजैक्शन कवर करके, तो वो परमानेंट डॉक्यूमेंट मैं मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ एक. वेरी गुड सर, वेरी गुड. एंड बाय द एंड ऑफ, मतलब अगर थोड़ा समय मिल गया, क्योंकि अभी लास्ट डेट्स हैं, अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो जल्दी, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आई विल बी गिविंग इट. विल आल्सो हेल्प यू इन योर इलेक्शन सर. धन्यवाद सर. देखिए सर ने जो है ना डिफरेंट स्ट्रिंग छेड़ दिया है. मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई क्या तू सेंट्रल काउंसिल कंटेस्ट कर रहा है. मैंने कहा जी पता नहीं, अब सोच तो रहा हूँ. कहते तू तैयारी क्या कर रहा है. मैं जी तैयारी क्या करनी है, तैयारी कैसे करते हैं, मुझे तो नहीं पता तैयारी कैसे करते हैं. मैं तो मेंबर्स के बीच में हूँ, मेंबर्स की सेवा कर रहा हूँ. पिछली बार इलेक्ट हुआ तब भी करता रहा पूरे टेन्योर में, इस बार इलेक्ट हुआ तब भी जो भी मेंबर्स का हेल्प करना था वो करता रहा. अब स्पेशल और क्या तैयारी करूं, थोड़ा गाइड करो. तो मुझे तो देखो यही लगता है सर कि
कि मैं जो कर रहा हूँ यही तैयारी है, इससे ज्यादा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता सर। सर आपका मैसेज डिलीवर हो गया, आपका मैसेज डिलीवर हो गया। धन्यवाद सर। तो नहीं सर वो स्ट्रिंग ऐसा है सर, वो छेड़ा तो फिर सुर तो आएगा ही सर, वो तार ऐसा है सर। सर सर जी, सो वापस आते सब्जेक्ट के ऊपर। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है उसका मतलब जो है, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में है, रेरा में है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आप नीचे पढ़ सकते हैं, एज पर रेरा मैंने लिखी है। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स, कन्वर्टिंग एन एक्सिस्टिंग बिल्डिंग ऑल्सो इज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ऑड पार देयर ऑफ, इवन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को भी अगर आप कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग ऑल और सम ऑफ द सेड अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स और बिल्डिंग्स एज द केस में बी, एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉमन एरियाज, द डेवलपमेंट वर्क्स, ऑल इंप्रूवमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स देयर ऑन। अगर इंप्रूवमेंट भी किया है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, दैट ऑल्सो इज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट RREP, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, शेल मीन अ RREP, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शेल मीन एन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन विच द कार्पेट एरिया ऑफ द कमर्शियल अपार्टमेंट, कार्पेट एरिया यू अंडरस्टैंड, कार्पेट एरिया ऑफ द कमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल कार्पेट एरिया ऑफ ऑल द अपार्टमेंट्स इन द RREP। मान लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखते हैं जहां पर फर्स्ट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है और उसके ऊपर 10 floors रेजिडेंशियल है। सो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आने के लिए ये क्यों आना है ये भी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आने के लिए आपका कमर्शियल कार्पेट एरिया जो है वो टोटल कार्पेट एरिया से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% तक हो सकता है। मतलब अगर 10 lakh square feet एरिया बनाए टोटल, तो 1.5 lakh square feet एरिया कमर्शियल में हो सकता है, इससे ज्यादा अगर होगा तो वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, नहीं है दोस्तों। लेट बी वेरी क्लियर। अब हम एग्जैक्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन देख ली, GST ऑन कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल अपार्टमेंट्स। यहां पर मीनिंग ऑफ प्रमोटर क्या है, प्रमोटर एज पर रेरा प्रमोटर इज ए पर्सन वो कंस्ट्रक्ट और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्टेड। इवन आई हायर एज ए प्रमोटर, आई एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद अ लैंड ऑनर, बट आई हायर मिस्टर एक्स एंड आई एम कॉजिंग दैट कंस्ट्रक्शन टू हैपन बाय मिस्टर एक्स, स्टिल आई वुड बी कंसिडर टू बी अ प्रमोटर एज पर रेरा। और कन्वर्ट कंस्ट्रक्ट इंडिपेंडेंट बिल्डिंग और कन्वर्ट इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग ऑल और सम ऑफ द अपार्टमेंट, इवन वन अपार्टमेंट इज सोल्ड you are considered to be a promoter, rest all is taken for self consumption, self purpose, usage purpose, still you will be considered to be a promoter. 3 activities undertaken by the promoter, let's be very clear about it. Supply of goods in the form of material, supply of services in the form of construction, and sale of land or undivided portion of land in case of multiple apartments. In case of villa sold as such, constructed for 200 yards, 300 yards, 500 yards plot, so sale of land is there. But when you construct a 5 floors or 10 floors on 500 square yard, that's an undivided portion of land is transferred by the promoter to the buyer. Sale of land is out of the purview. Therefore, value of the same to be reduced for charging GST, because sale of land is not to be taxed as per schedule 3. Sale of land is not to be taxed. Main aapko na bahut zyada complexities mein nahi le ja raha hu, main land abhi land mein lekar jaunga, lekin main bahut zyada at the beginning bahut zyada complexities mein nahi le ja raha hu. Main chahta hu ki pehle aap ek scheme of law jo hai, scheme of tax jo hai wo samajh jaye. सेल ऑफ लैंड आउटसाइड द प्रीव्यू है तो इसलिए टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए
जो भी टोटल वैल्यू हम चार्ज करेंगे बायर से, होम बायर, प्रॉपर्टी बायर, अपार्टमेंट बायर, उसमें से सेल ऑफ लैंड की वैल्यू को घटाएंगे। सेल ऑफ लैंड की वैल्यू क्या होगी? सेल ऑफ लैंड की वैल्यू, अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया, मतलब ऑफकोर्स डे इन एंड डे आउट केसेस रेगुलर क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। हमसे पूछा गया कि भाई हमने जीके में एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नाउ द फ्लोर वैल्यू इज 7.5 crores एंड द लैंड वैल्यू 7.5 crore एंड द लैंड वैल्यू एज पर द लॉ विच इज अलाउड टू अस इज 1/3 ऑफ द प्राइस चार्ज और चार्जेबल, बट एक्चुअली उस केस में लैंड वैल्यू इज मोर देन 75% ऑफ द कॉस्ट बिकॉज दैट इज ग्रेटर कैलाश वन। देर आर मल्टीपल प्लेसेस इन दी सिटीज, वेदर इट इज इन दिल्ली और टीयर वन, टीयर टू, अदर टीयर थ्री सिटीज, वेर इन द वैल्यू प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच हायर। इट इज समटाइम्स इट इज 60-70% ऑल्सो, नॉर्मली इट इज 40-50% इज देयर नाउ डेज। सो द वैल्यू ऑफ लैंड डिडक्शन अलाउड टू अस इज द 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट चार्ज फॉर सच सप्लाई। इफ 7.5 crores देन 1/3 ऑफ दैट, बट वैल्यू इज द वैल्यू अपोर्शन वैल्यू ऑफ लैंड इज मोर देन 70% देयर, देन वॉट वुड हैपन? लॉ गिव्स यू अ डीमिंग फिक्शन, इट इज एज पर नोटिफिकेशन 11/17 CTR। लॉ गिव्स यू अ डीमिंग फिक्शन, लॉ डज नॉट कंसिडर टेक इन टू अकाउंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड। टू माई हम्बल व्यू, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेविएट और एट बी एट वेरियंस फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट। इफ यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू एट विच इट इज टू बी टैक्स्ड, द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ लैंड शैल बी 1/3 ऑफ द वैल्यू चार्ज्ड। बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लैंड, इट इज सर्टनली लिटिगेटिव एंड गोइंग टू बी डिस्प्यूटेबल इन टाइम्स टू कम। I have given you this also. It is presumption जो है, हालांकि grossly vague है, ultra vires the intention of law है, clearly violative of constitution है, जहां पर actual value of land in most the cases are more than the deemed value of land as computed under provisions of said notice notification. Alternatively, taxpayer can opt for pay actual value, but it is subject matter of litigation, friends. I have given you in writing. Now, affordable residential apartment we have already done. Now, GST rates up to 31st March 2019. I am not going in detail of GST rates of up to 31st March 2019. Atul Puri ji, generally the land is taken on circle rate, even then 1/3 value has to be adopted. Yes, sir. Sir, there are registries happening in the country where circle rate is 1 crore, the market value of the said property is 60 lakhs. You are discharging the stamp duty on the value of circle rate, but buying at 60 lakhs. So section 50, I think subsection C of the Income Tax Act is also attracted, if I'm not mistaken. But even 56 is there. There is some amendment in the 56 also, section 56 of the Income Tax. Although I am alien to the income tax, or I am alien to any other subject than goods and services tax, but yes, you have rightly said 56(2) clause 10 or X. So I can't help it, sir. It is the unjust. It is debatable. It is litigative. No doubt about it. Take a call. Take an informed decision. I am not going into the previous rates. Just giving you hint, affordable residential 12 or other residential 18, 1/3, 8 or 12,
3IE 3IF नोटिफिकेशन 11/17 का रेलेवेंट क्लॉज उठाकर आपके लिए लिख दिया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, व्हाट इज द टैक्स रेट? देर आर फोर टाइप्स ऑफ, फोर कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज, बी विद मी। फर्स्ट इज अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। अफोर्डेबल कौन से हैं? 90 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर, 45 लाख की वैल्यू बता चुका हूं आपको। अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो कि अफोर्डेबल नहीं है, कमर्शियल अपार्टमेंट जो कि RREP में है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जहां पर 15% से ज्यादा कार्पेट एरिया टोटल का नहीं है कमर्शियल में, RREP, और कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो कि प्योरली कमर्शियल है, ठीक है जी। GST रेट क्या है इन चारों में? 1.5 7.5 7.5 18। अफोर्डेबल में 1.5 है, अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में 7.5 है। 1/3 वैल्यू लैंड की डिडक्शन मिलती है, 1 और 5 आ जाता है। यही रेट मार्केट में सुनने को मिलता है आपको कि जी अफोर्डेबल में 1 है, अदर देन अफोर्डेबल में 5 है, अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 5 है, लेकिन एक्चुअल रेट है वो 1.5 और 7.5 7.5। नोटिफिकेशन 11/17 3IIC 3IA/ID। कमर्शियल अपार्टमेंट RREP में 7.5, 1/3 के डिडक्शन, 5 3IB, और कमर्शियल अपार्टमेंट में 18, 1/3 लैंड के डिडक्शन, 12 3IF। ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों? ITC पहले 3 कैटेगरीज में आपको लिखा है नो। नो का मतलब नो, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी ना जी, नो का मतलब नो, पिंक वापसी पन्नू, नो का मतलब नो क्रेडिट। आप कहें जी मैं कोई और स्कीम ले लेता हूं, मैं हायर रेट लगा देता हूं राजेंद्र, क्रेडिट ले लूं, दोस्तों ये ऑप्शनल नहीं है। आज मुझसे पूछा जाता है कि राजेंद्र मैं फ्रेट फॉरवर्डर हूं, फ्रेट में RCM है नोटिफिकेशन 13/17 CTR, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। रेसिपिएंट जब टैक्स पे करता है तो तू कहता है 5 लगा दो। जो फॉरवर्ड चार्ज में फ्रेट फॉरवर्डर जो GTA है वो टैक्स पे करता है, तू कहता है 12 लगा दो। 5 जब रिवर्स चार्ज में लगता है तो GTA को ITC नहीं मिलता, 12 जब GTA लगाता है तो ITC मिलता है। तो ये ऑप्शनल है। आप मुझसे पूछते हैं भाई भाई 4 क्लाइंटों पे तो रिवर्स चार्ज लगा रहा हूं और बाकी सभी क्लाइंटों पे फॉरवर्ड लगा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, माय आंसर इज नो, यू कांट डू सो। नोटिफिकेशन 11/17 अगेन कैटेगोरिकली टेल्स यू, अगर 6% CSC का रेट लगाना है सेंट्रल का, 6S का, I का 12, अगर 6% लगाना है तो सभी ट्रांजेक्शन पर लगाना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 30 रजिस्ट्रेशन है, 20 रजिस्ट्रेशन पे लगा दिया 12, 5 पे लगा दिया 10 पे लगा दिया 5, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली ये ऑप्शन नहीं है। रेस्टोरेंट वाला कहता है 5% रेट विदाउट ITC, भाई 18 लगा दू सर, सॉरी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है यहां पे। चलिए, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आपको दोस्तों नहीं मिलता। कमर्शियल अपार्टमेंट्स में 18 लग रहा है, इनपुट टैक्स शौक से लीजिए, कोई समस्या नहीं है। रिड्यूस रेट, मैं ये पिछले वाले हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा, इस स्लाइड पे कंडीशन फॉर रिड्यूस रेट ये ले लेता हूं, एक मिनट रुके, ये ले लेता हूं, दिस स्लाइड। रिड्यूस रेट कौन से हैं? 1%, 5%, 5%, 4 कैटेगरी है, चौथे में तो 12 है कमर्शियल वाले में। पहला है अफोर्डेबल, दूसरा है रेजिडेंशियल अदर रेजिडेंशियल, तीसरा है कमर्शियल इन RREP, और चौथा है कमर्शियल प्योरली कमर्शियल।
मैं बैठा हूं दिल्ली में मोती नगर में डीएलएफ टावर्स में, प्योरली कमर्शियल। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल और अबव दैट रेजिडेंशियल। इफ 15% तक है कमर्शियल, आरआरईपी है, और उस कमर्शियल को 7.5% रेट है, 1/3 डिडक्शन लैंड है, 5% मिलेगा, आईटीसी नहीं लगेगा, आईटीसी नहीं मिलना। उसी के ऊपर अगर रेजिडेंशियल है, अगर अफोर्डेबल है तो 1%, अदर रेजिडेंशियल है तो 5, नेट 1/3 डिडक्शन, 7.5, 1/3, 7.5, 1/3 डिडक्शन, 1, 5, 5। स्लाइड रिक्रिएट हो गई आपके सामने। अगर स्लाइड रिक्रिएट हो गई तो भाई साहब हम जीत गए, क्योंकि हम अपने गुरुजी को देखते हैं जो हमारे आहूजा साहब हैं, कोई स्लाइड आज तक नहीं बनाई उन्होंने, और ऐसे बताते हैं जैसे कि चलचित्र सामने चल रहा हो। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि ये रियल एस्टेट है, मैं भी इसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता हूं कि अगर मेरे अंदर भी कोई भय है तो वो निकल जाए। तो आगे कुछ कंडीशंस हैं रिड्यूस रेट के। रिड्यूस रेट कौन सा है जी? वही 1, 5, 5। नो आईटीसी अवेलेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ लैंड ओनर प्रमोटर। अगर आप लैंड ओनर प्रमोटर हैं तो आपके लिए रेट अलग बन जाएगा। एंड जीएसटी नीड्स टू बी पेड इन कैश ओनली। जीएसटी आपको कैश में पे करना है दोस्तों, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगली कंडीशन आमतौर पे लोग मिस करते हैं, आईटीसी नॉट अवेल्ड टू बी रिपोर्टेड इन 3B। भाई साहब ये कंडीशन 11/17 में लिखी है। अगर आपको रिड्यूस रेट 1, 5, 5 लगाना है तो जो 3 आपने जो आईटीसी अवेल नहीं किया है, जो रिवर्स किया है, उसको पहले अवेल करके रिपोर्ट करें, रिवर्स करें, अवेल करके रिवर्स करें। आपको आईटीसी बताना है कि मेरा कितना आईटीसी है इस प्रोजेक्ट पे। आप प्रोजेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, आपको पता है दोस्तों एक ही स्टेट में आपके 4 प्रोजेक्ट चलते हैं। आप कहते हैं एक प्रोजेक्ट पे मैं लगाऊंगा जो है अफोर्डेबल वाला है मेरा, अफोर्डेबल लगाऊंगा, एक मेरा अदर देन अफोर्डेबल है, 5 लगेगा। दोनों का इनपुट टैक्स क्रेडिट सेपरेटली मेंटेन करना है। रजिस्ट्रेशन सेपरेट ले सकता हूं? जी हाँ। प्योरली कमर्शियल एक प्रोजेक्ट मेरा जिसमें 18% लगना है और 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है, क्या मैं शिवरमण साहब हैज कैटेगोरिकली टोल्ड मी स्पीक इन इंग्लिश, सर वी आर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, ऑल्दो वी कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट सर देर इज अ टाइम लैग इन थिंकिंग एंड स्पीकिंग, आई थिंक इन हिंदी एंड स्पीक इन इंग्लिश, यू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। So that is why, sir, we are in Northern India and we think in Hindi and speak in English. So I'll try to speak in Hindi more and English less, sir. So all purchases to the extent of, sir, I'll come to that. Rahul Naredi saab, I'll come to that. Babu Thevar ji, oh, my Babu Thevar ji is very good friend of mine. He has been the regional council member with SIRC. अच्छा सर बता दीजिए उनको, फिर मैं ऑन कर देता हूँ वीडियो। क्या नाम है सर? बाबू थेवर, बाबू के थेवर। मैं देख लेता हूँ सर। है आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज द सेम बाबू थेवर। कोई बात नहीं, कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जी 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 है, बिल्कुल है। इन केस ऑफ लैंड प्लॉट ज्वाइंट डेवलपमेंट ओनली डेवलप लैंड एंड सेल टू कस्टमर, जीएसटी एप्लीकेबल विच वैल्यू। In case of land plot joint development, only develop land and sell to customer. Sir, GST is applicable, sir.
if only land is sold, then it is outside the purview of GST. But if you develop land in any form, then there is a construction activity also happened to that. And then construction of sale, construction and sale in my first limb, construction and sale of residential apartments, plot of land, commercial apartments would be subject to GST, sir. Sir, I'll come to Rahul Naredi sahab. I'll come to your RCM wala issue, sir. Don't worry, sir. 80% of value of input and input services, except cement and not capital goods, to be procured from registered person. I am explaining you. Don't worry, sir. I am explaining you this condition. If you want to avail reduced rate of 155, you have to ensure that 80% of your inputs are procured from registered persons. Registered persons. And your cement should be procured 100% from your registered person. Cement should be 100% should be procured from registered person, sir. And capital goods should be procured 100% from registered person, sir. I am trying to speak in English, sir. So let's understand this with some examples. 80% of value of input and input service, not capital goods, sir, to be procured from registered. Why this condition? Why this condition? To safeguard the revenue, as ITC is not available, promoter will procure from unregistered person, and the revenue will not get the revenue, because if you buy from unregistered, no tax. If no tax, then tax does not become the cost. Tax does not get flush out of the input tax credit supply chain flow, ITC flow. Listen to me again. If you buy from unregistered, you don't pay tax. If you don't pay tax, tax does not become cost. If tax does not become cost, it does not get flush out of the ITC chain. Government's intention is to clearly make input tax credit as cost to the developers. You know what happens? The rate of tax was 18% to restaurants when the law came into being. And in September 2018 itself, the department found that the tax rate 18% on restaurants, food, which is an essential item, is much higher. And that does not suit to the image of the government also, that you are charging higher taxes on essentials, indispensabilities. That doesn't suit to the image also. Although many other things does not suit to the image of the exchequer government, but they are still doing it. They can increase, extend the time limit for the application of insolvency and bankruptcy code much before the due date when it is expiring. But they cannot increase the date of filing of return when there was a complete lockdown in Europe. And in our country also, the same problem, the business economy is getting completely contracted. RBI said in its report, economy is contracted in second quarter, economy is contracted to 29%. And in fourth quarter, growth is going to be reported as 0.1%. It is just the cocoon is opening up to become the bee. Butterfly. Cocoon. Cocoon is just opening up to become the butterfly. And you are suppressing the cocoon. And it would never come into existence. Take my words. So again, the different string is touched. I am a little emotional about it, because I have been evidencing the
change in this subject for last 40 months and even before that. Every day I am the witness. जैसे भगवान कृष्ण की कही हुई गीता का जो साक्षी थे वो संजय थे, वैसे मैं इस गीता जो कि पिछले 40 महीनों में हमारे सरकार ने कही है उसका उनमें मैं भी एक साक्षी में से एक मैं भी एक हूं. तो मुझे बुरा लगता है ये सब देख के. सो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल फ्रेंड्स, इट बिकम्स कॉस्ट. सो दैट इज व्हाई दे वांटेड टू इंश्योर दैट it becomes cost. That is why they have put this condition that 80% of the purchases should come from registered person, so that ITC is there but becoming cost. What if this condition not met? 80% से आपने purchase नहीं किया भाई क्या करूं? अच्छा माल मिल रहा था लेकिन वो registered person नहीं था, खरीद लिया तो सरकार कहती कोई बात नहीं, कोई tension नहीं है, मैं हूं ना, किसी भी तरीके से तुम्हें मतलब छोड़ूंगी नहीं. टैक्स अंडर आरसीएम टू बी पेड बाय प्रमोटर ऑन सप्लाईज विच फॉल्स शॉर्ट ऑफ 80%. जो भी 80% से कम आपने सप्लाईज प्रोक्योर की अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उसके ऊपर 18% से जीएसटी खुद ही रिवर्स चार्ज में 9 ब्रैकेट 4 में दे दीजिए. 9 ब्रैकेट 4 में दे दीजिए, कोई समस्या नहीं. 9 ब्रैकेट 4 याद है आपको, 1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2017 तक था. जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को बेचता था तो रजिस्टर्ड सप्लायर एज रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में गुड्स और सर्विसेज पर आरसीएम देता था, जिसको 12 अक्टूबर को सस्पेंड कर दिया गया और 12 अक्टूबर को सस्पेंड किया, मतलब 12 तक लगेगा, 13 से वो सस्पेंड हो गया और आज तक वो वापस नहीं आया, कोमा में है. उसको एक ऑक्सीजन का सप्लाई एक शॉट दिया गया था ऑक्सीजन का 1 फरवरी 2019 को, जब अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शैल नोटिफाई द गुड्स और सर्विसेज एंड द क्लास ऑफ पर्संस ऑन व्हिच व्हेन अनरजिस्टर्ड सप्लायर शैल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज देन द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड दिस रिवर्स चार्ज इज फॉर देम. The class of person is developers who procure goods from unregistered suppliers. Cement 100% to be bought from registered supplier. Agar nahi condition puri hoti to RCM de do. Capital goods shall not be covered in 80% limit. GST required to paid under RCM on capital goods received by promoter from unregistered suppliers for construction of project. 100% कैपिटल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर. अगर आप कहो कि भी मैंने इसके ऊपर आरसीएम दे दिया तो 80% की लिमिट पूरी होगी, नहीं सर, 80% की लिमिट अपने आप में कैपिटल गुड्स और सीमेंट को हटाकर पूरी करनी है. इस एग्जांपल से आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा. मैं इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड से खरीदी 60, सीमेंट खरीदा अनरजिस्टर्ड से 10 और अदर इनपुट सर्विसेज 30 अनरजिस्टर्ड से. प्रमोटर शेल पे जीएसटी अंडर आरसीएम. पहले सीमेंट 10% तो पूरा कीजिए क्योंकि 10% सीमेंट आपने उससे खरीद लिया है अनरजिस्टर्ड से. देन ये सीमेंट जो है 80% में जुड़ेगा लेकिन अपने आप में सीमेंट 100% रजिस्टर्ड से होना चाहिए, उसके लिए सेपरेट आरसीएम होगा. अगर सीमेंट 100% है, सीमेंट जुड़ेगा 80% कैलकुलेट करने के लिए. अब 60 और 10 70 हो गया, 60 रजिस्टर से इनपुट किया, 10 सीमेंट में आरसीएम दे दिया, 70 हो गया रजिस्टर से. अब 10% और अनरजिस्टर से दे दे, 80% की समस्या सॉल्व हो गई. आपने इनपुट लिया 60%, सीमेंट लिया 25%. अब सीमेंट तो 100% रजिस्टर से होना है तो सीमेंट पर 25% आपने पहले आरसीएम दे दिया. अब क्या हुआ, अब सीमेंट 25 और 60 ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दोनों को जोड़ा तो 85 हो गया. तो आप कहो भाई 85 नहीं देता, 20 ही दे देता हूं सीमेंट का, 80 तो करना है सीमेंट जोड़ के. ना बाबू ना, 25 सेपरेटली यू हैव टू कंप्लाई, सीमेंट 100% फ्रॉम दी रजिस्टर्ड एल्स पेन आरसीएम. नाउ कमिंग टू द लैंड वैल्यू,
Just one slide dedicated to sale, development and sale of land. I think Babu Saab, Babu Thevar ji, your reply question shall be answered in this. Consideration charge towards land and development charges separately. Sale during development of plot of land doesn't fall. It is a schedule 3 item. No tax. Sale after development, land is not levable to GST, schedule 3, no tax. So even after some boundaries or something like that you have developed, but it is a plot only, you have cut into plots, then also it is not subject to. Now, last limb of the topic of today's program, joint development agreement. Collaboration agreements are most common. Collaboration agreements are most common in real estate. What happens nowadays? The properties value are skyrocketing. And properties there with the landowner, but they are not having the expertise to construct it. Then they enter into an agreement with the promoter or the developer. Types of agreements are area sharing, construct 4 floors, give me 3, take 1. I share 1 floor with you, you give me back 3. Revenue sharing, I am giving you a land of 2000 square yards or 5000 square yards or 10,000 square yards. Construct 200 flats, sell 200, every flat 25% revenue gives to me. Revenue sharing or both. Give me out of 200 flats, 10 flats to me. And in remaining every flat, give me 25%. Both. So transactions covered in these joint development or collaboration agreements. Transfer of TDR. It is the development right by the landowner to the promoter. As I said at the first slide, you remember, पहली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें से बेसिकली दो ट्रांजेक्शन्स बाहर निकलती हैं. पहला तो TDR और दूसरा कंस्ट्रक्शन. TDR सप्लाई है इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओनर और कंस्ट्रक्शन सप्लाई है इन द हैंड्स ऑफ डेवलपर प्रमोटर. सो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट बाय द लैंड ओनर टू द प्रमोटर. Construction of units by promoter for the landowner. In case of area sharing and mix arrangements. Promoter के लिए land, promoter के द्वारा land owner का construction किया उसने, उसकी units का, वो service है. Sale of units by promoter or landowner to the third party. 3 floor मिली promoter landowner को, मालिक है जो land का मालिक है, उसने 2 रखी एक बेच दी. 1 promoter ने जो खरीदी ली थी landowner से वो भी बेच दी. This is the third transaction. Payment of consideration basis specified percentage revenue earned on sale of units. This is also part of kind of consideration given by the developer to the landowner. So, first of all, let's understand what is development right. Permission given by the landowner for development of land or building. Apart from transfer of physical possession. Of course, physical possession is transferred, but in addition to physical possession, land owner also authorizes the promoter to do all such acts
apply before authorities for development of land building, create mortgage on the land in order to raise finance, advertise the project, sell a lot, lease, license the saleable area and other spaces available in the project. So in nutshell, landowner gives all its rights over the land and gives full authority to the promoter to enjoy the land in the manner of his choice. For all purposes, therefore, the landowner extinguishes its interest in the land in favor of the promoter on execution of the collaboration agreement in consideration of construction of its share of building. My dear friends, supply ki definition lagaiye, transfer of right in consideration of construction in the course or furtherance of business. आप कहेंगे भाई राजेंद्र, जो लैंड ओनर है उसका धंधा तोड़ना है ये काम करवाने का. My dear friends, when we read the definition of business under section 2 subsection 17 of the act, it covers this transaction also where there is no regularity, no continuity. It is also a business as per this act. I'm sorry, but yes. So the landowner who transfers the development right to the promoter also makes a supply. And this is a, whether it falls into schedule 1, no. Whether there is exemption, yes, there are some exemptions. Whether it is schedule 3, no. So it is a supply with limited application of exemption but taxable. One simple question. कोई सवाल नहीं पूछा, डेढ़ घंटे की पूरी प्रेजेंटेशन होने वाली है. एक सवाल पूछते हैं सर. जी सर, बोलिए बोलिए सर, पूछिए. अतुल जी क्या कह रहे हैं, डज नॉट इन माय हम्बल ओपिनियन मेक ए डिफरेंस टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू इन कमर्शियल प्रोजेक्ट. सर मैं समझा नहीं सर, किस बारे में बात कर रहे थे आप, दोबारा लिख दीजिए पूरी साहब. आई वुड लाइक टू बी अनम्यूटेड. I will like to be unmuted. लास्ट में कर ले या स्टार्टिंग में कर ले? लास्ट में कर ले. एक सवाल पूछता हूं आपसे. इफ अ सप्लाई इज देयर एंड it is exempted under notification 12 or 2 or 12, whatever the case may be, goods or services jo bhi hai. If it is exempted, would it be taxable also? Yes or no? Thoda sa mazedar wala sawal pucha aapse maine. If it is exempted, would it be taxable also? जी दोस्तों, यस और नो? नो, इट वुड नॉट बी टैक्सेबल. राहुल जी, आई होप आपके रिवर्स चार्ज का सवाल का जवाब मिल गया हो आपको, 80% वाला. सो इफ इट इज एग्जेम्प्टेड, वुड इट बी टैक्सेबल ऑल्सो, यस और नो? Yes or no? Tell me please, friends. My dear friends, if a particular good or service, a supply is exempted, it has to be first taxable, then made exempted. If it is not taxable, cannot be exempted. I relinquish or I say in during lockdown, I conducted many programs, many courses. Rajesh bhai sir, yes, many sir. Courses. Those were paid courses. Yes, sir. I charge smaller amount, 1,000 rupiah, 500 rupiah.
and given entire course, pura GST. The course was chargeable, but I allowed some of the students or members to take it for free. Anything which is not on paid basis cannot be made for free. Anything which does not have value cannot be free. कुछ मूल्य होगा तभी तो वो शून्य होगा. जब मूल्य नहीं है तो फ्री कैसे हो सकता है, मुफ्त कैसे हो सकता है? मुफ्त वो नहीं हो सकता जिसका कोई मूल्य नहीं है. वेरी राइट. तो जब तक टैक्सेबल नहीं होगा तब तक वो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वैसे ही आपको कॉफी बीन दिया था मैंने. वो राजेश भाई साहब जब परफ्यूम लेने जाते हैं ना दुकान पे, तो एक परफ्यूम के बाद दूसरा परफ्यूम टेस्ट कराने से पहले कॉफी बीन टेस्ट कराते हैं ताकि आप अगली परफ्यूम अच्छे से पहचान सके. तो ये कॉफी बीन था. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 119. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन. मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन. फैब्रिकेशन ऑल्सो ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. कंप्लीशन सम रिपेयर वर्क कंप्लीशन. इरेक्शन इंस्टॉलेशन फिटिंग आउट इंप्रूवमेंट. सम इंप्रूवमेंट इज डन मॉडिफिकेशन इज डन रिपेयर मेंटेनेंस रेनोवेशन ऑल्टरेशन कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी. इफ द सप्लाई ऑफ सर्विस विच डज नॉट ब्रिंग into existence a immovable property cannot be considered to be works contract. It has to be immovable property on which the supply of service applied and termed as per schedule 2 as works contract. Supply of service to a immovable property is considered to be works contract. Whenever you call a supply of service as works contract, there has to be immovable property. And works contract may include these activities: building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning. All of these. So, given you the one more important definition of works contract, it will help us to understand the nearly closing slides. So, GST implication and transfer of development rights. Sale of land. Now, be with me. I would request you to be with me for now, for next 10-15 minutes, because we are on the almost verge of closing. As per clause 5 of schedule 3 stipulates that sale of land should be treated neither as supply of goods nor as supply of services. That is, sale of land is outside the ambit of GST. Wonderful. No issues. We are very much clear with it. Next question arises is transfer of development rights can be considered as sale of land. देखिए, हम अपनी तरफ से तो कोशिश करें ना. जब हम ओपिनियन लिख के देते हैं तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट ऑफ राइट्स, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, क्या सेल ऑफ लैंड माने जा सकते हैं. आपका यार डेवलपमेंट राइट्स सेल ऑफ लैंड कैसे बन जाएंगे राजेंद्र? इस स्लाइड में मेरे साथ रहे. लैंड को जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया. बॉम्बे लैंड रेवेन्यू एक्ट में लैंड डिफाइन है. वहां क्या कहते हैं? Land includes benefits to arise out of land. Benefits arise out of land and things attached to the earth
or permanently fastened to anything attached to the earth. So land includes benefits to arise out of land. Land Acquisition Act, similar. Benefits arising out of land shall also be included in the definition of land. Two definitions, various law. Land is same. Land includes benefits arising out of land also. In case of Chheda Housing Development Corporation, Bombay High Court has said, the development rights as benefits arising out of land, development rights to be considered as benefits arising out of land. If this same judgment, Sado Day Builders Private Limited, has been upheld, has been followed. DLF Limited versus Commission of Service Tax, Gurugram, CSTAT, Chandigarh. DLF Commercial Projects, CSTAT, Chandigarh. The Honorable Tribunal is of the view that development rights shall be considered as benefits arising out of land and accordingly shall get covered under the ambit of immovable property. My dear friends, transfer of development right, मैंने आपसे कहा कि जब joint development agreement होंगे तो दो major transactions होंगी. पहला है transfer of development right, दूसरा है works contract transaction, supply of service of works contract from promoter to landowner. पहला transfer of development right क्या land हो सकता है? Transfer of development right is benefit arising out of land. So if it is land, will it be taxed? No. Is transfer of development right is sale of development right? Sale is not defined, but sale means transfer of ownership. At the time of transferring development right, the land owner generally transfer all rights. In other words, after the receipt of development rights, the promoter can exercise all the rights of the owner on such land. In following decisions of courts, it is also held that development agreement is effectively an agreement of sale of land, wherein the land owner transfers all rights in the land to the developer and also extinguishes all its rights in such land in favor of developer. In view of the aforesaid discussion, a conclusion can be drawn that the transfer of development right is akin to sale of land. My dear friends, transfer of development right is benefit arising out of land on the basis of judicial. I discussed this on the basis of jurisprudence already established. Transfer of development right is benefit arising out of land. It is not only benefit arising out of land, it is land only. It means it should not be subject to tax. But the government intends to levy GST on the development rights. The government has levied GST on the development rights. If you guys are willing, then tomorrow, yes, this can be challenged in the court of law. No doubt about it. But I have proved to best of my ability, the transfer of development right is a benefit arising out of land or is land itself, which should not be subject to checks. What is the liability to pay tax on transfer of development rights by landowner? Because it is the supply in the hands of landowner, GST applicable on supply of TDR. However, the responsibility to pay tax is not on the landowner. In case of TDR, developer is required to pay tax under RCM. Simple. What is the rate of tax on TDR used for construction residential project for developer under reverse charge? Supply of TDR or FSI or long-term lease of land used for the construction of residential apartment in project that are booked before issuance of completion or first occupation is exempt. No TDR tax
if residential apartments are booked before issue of completion, my dear friends, the moment apartments are booked before issue of completion, it becomes taxable. First slide याद कीजिए, पहला दृश्य इस पूरी फिल्म का पहला दृश्य कहता था कि अगर आपने पूरी की पूरी प्रोसीड्स बिफोर कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन फर्स्ट ऑक्यूपेशन ले लिया है, इट बिकम्स टैक्सेबल. एक रुपया भी, आई बेग योर पार्डन, एक रुपया भी. और अगर पूरी की पूरी प्रोसीड्स आफ्टर कंप्लीशन लिया है तो इट बिकम्स एग्जेम्प्ट. अब हम ये कह रहे हैं कि अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बुक हो गए हैं बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो टीडीआर एग्जेम्प्ट है. टीडीआर एग्जेम्प्ट हो गया और पूरी की पूरी वैल्यू टैक्सेबल हो गई. और वैल्यू में टीडीआर की वैल्यू भी, टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू में टीडीआर की वैल्यू भी निहित होगी. इट शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ टीडीआर ऑल्सो विद इन द प्रोजेक्ट वैल्यू. दैट इज वाई इफ द अपार्टमेंट्स आर सोल्ड और बुक्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, देन टीडीआर बिकेम एग्जेम्प्टेड. What is the rate under reverse charge by the developer of TDR? 18%. Person liable to pay GST, promoter, and definition of promoter I already has given to you. Time of supply, date of completion, certificate of project or its first occupation, whichever is earlier. Time of supply in case of residential, in case of commercial. I am not going in detail. Value. TDR. On or after 1st April 2019. Notification 6/19, 29 March 2019. CTR. Value of supply on which TDR is taxed at the rate of 18%. Please, I invite your attention here on careful note. Value of similar apartment charged by the promoter from independent buyers nearest to the date on which development rights transferred to promoter. If the date of transfer of development rights through the promoter is today, so nearest to it, first similar apartment, usi property mein, किस वैल्यू पर इंडिपेंडेंट बायर को बिका है, 3 करोड़ का बिका है, पहला अपार्टमेंट नियरेस्ट, पहला, चाहे वो साल बाद ही क्यों ना हो, पहला, उसकी वैल्यू प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन. मान लीजिए एक फ्लैट दिया और 1 करोड़ रुपए साथ दिया, तो उसकी वैल्यू प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन. राहुल नरेडी साहब पूछ रहे हैं, इस ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लीज होल्ड राइट्स टैक्सेबल, इफ यस क्रेडिट एजिबल. सर, 100% लीज होल्ड राइट्स इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट्स, राइट टू यूज, इट इज टैक्सेबल एंड द रेसिपिएंट वुड बी अवेलेबल विद द क्रेडिट ऑल्सो. अतुल पुरी साहब, आप प्लीज क्वेश्चन पूरा पूछ लीजिएगा. So this is taxed at 18%, my dear friends. Exemption, I have told you, available in case residential apartment which are sold prior to the date of completion certificate or first occupation. If the there are 4 floors, 2 are sold, booked before completion. 2 are booked, sold after completion. So the exemption is with respect to those floors in case of value of TDR, which are sold prior to completion or first occupation. The amount of exemption shall be determined. GST payable on TDR for project, the entire project, and the GST payable on TDR shall be determined with the help of this slide, value of supply. Exemption shall be available multiplied by the carpet area of residential apartment in the project
and divided by total carpet area of residential apartment and commercial apartment in the project. If all residential apartments not booked, promoter shall be liable to pay RCM on proportionate value of development rights. This is that. But the development right ke upar jo GST hai, wo unbooked residential apartment ki value ka 1 ya 5%, 1 in case of affordable residential housing and 5% in case of other than affordable housing, se zyada nahi ho sakta. The value, the tax on TDR cannot exceed 1 or 5, as the case may be, percent of the value of unbooked residential apartments. Jo bhi unbooked reh jate hain, uska 1 ya 5 se zyada TDR par tax nahi ho sakta. Aur tax humne lagana hi unbooked pe hai. Booked par to lagane nahi hai, kyunki booked agar baad mein hue hain to wo to exempt hai, pehle wale hi hain jo taxable hai. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. लायबिलिटी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एरिया पर्टेनिंग टू लैंड ओनर शेयर. नाउ द प्रमोटर, द सेकंड लिंब ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाज द प्रमोटर हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द लैंड ओनर इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. That is there. Now, who is liable to pay? Of course, promoter as a supplier, because promoter has provided this construction services to the landowner. Time of supply, date of completion certificate or first occupation, whichever is earlier, as per notification 6/19 CPR. That is the notification which has brought the new tax rate with effect from 1st April 2019 in the country. Value of supply, total amount charged for similar apartment minus 1/3, is par 1.5, 7.5, 12, 18, 18. Iske bare mein abhi main bataunga aapko rate of tax ke upar. Thoda sa aur wait kijiye, aapko ek do mazedar baatein aur batani hai isme, then we'll close. So rate of tax agar residential hai, affordable hai to 1.5, other than affordable hai 7.5. 12, 18, 18 में आपको बता रहा हूं. आईएफ कमर्शियल है 18. आपको दूसरी बातें बताता हूं, रुकिए. पर्सन लायबल, लायबिलिटी इन केस ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स बाय प्रमोटर और लैंड ओनर. प्रमोटर जो बेचेगा, प्रमोटर के पास अगर एक फ्लोर मिला, लैंड ओनर के पास 3 मिले, उसमें से उसने 2 बेचे, 1 रखा, तो उसको क्या होगा? पर्सन लायबल फॉर पेमेंट इन जीएसटी कोई भी हो सकता है, प्रमोटर भी, लैंड ओनर जो अपनी रिस्पेक्टिव यूनिट बेचेगा. टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले पैसे मिल गए तब भी हो गया. वैल्यू, टोटल अमाउंट चार्ज्ड लेस 1/3 वैल्यू, और जीएसटी रेट जो है 1.5, 7.5, 12, 18. अभी बता रहा हूं आपको इस पे. नाउ at what rate works contract services provided in related to relation to affordable residential apartment would be taxed, 18 or 12? The rate of tax would be 12% provided the carpet area of the residential apartment should not be less than 50% of the total carpet area of all apartments in the project. This is a specific rate which is there. Now this is all reverse charge, which I have already discussed with you. Single residential unit, single residential unit means a self-contained residential unit which is designed for use only or principally for residential purposes for one family. Rajesh bhai saab, yes, sir. He's got two children. Sir, two children? Three. Wonderful, sir. Rajesh bhai saab contacted me. Rajender, please construct this property for me. Construct 4 floors. All these 4 floors are to be used by me. This is Rajesh Bhai saying, by me
and by my three children individually. Can this be considered to be one family? भाई साहब ने कहा भाई किचन अलग, हर फ्लोर पे किचन अलग, वॉशरूम अलग. बट राजेश भाई साहब सेड थ्री चिल्ड्रन, ऑल थ्री सन्स लिविंग टुगेदर बट इंडिविजुअल यूनिट्स बट वन फैमिली. कैन इट बी कंसिडर्ड सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट? आंसर इज यस और नो. यस प्लीज राजेश भाई साहब, आप क्या कहते हैं? सेपरेट के लिए वाटर कनेक्शन इज मस्ट आई थिंक. वाटर बिजली कनेक्शन सब अलग है सर, हर फ्लोर पे. और सर देखिए, अगर एक फैमिली भी रहती है तब भी आजकल ऐसा होता है कि जो बिजली कनेक्शन है वो सेपरेट लिए जाते हैं. सेपरेट, नॉट ए सिंगल यूनिट सर. सर टू माय व्यू इट कैन बी कंसिडर टू बी सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट. वेरी गुड. एंड इफ इट इज सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, द रेट ऑफ टैक्स चार्ज्ड बाय मी टू राजेश भाई साहब शेल बी 12%, एंड दैट टू विद 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट. सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा. बट सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट इज अ डिस्प्यूटेड थिंग, प्लीज बी क्लियर. That was the last slide. I tried my level best to do justice to the entire scheme of law with respect to real estate transactions. I hope you must have enjoyed. I like to thank Rajesh Bhai Sahab and his entire team for giving me this opportunity to share my little understanding, especially about the real estate. I hope I must have had stand to the expectations of the members. Thank you, sir. Thank you. There are 12 questions from the members, all are very small, sir. So either you take or I should read and you answer, sir. Sir, as you say, you please read it and I'll answer. Jitender Mehtaji is asking, what are the GST implications on the owner of land in case of collaboration agreement? The owner of land is already having GSTIN as he is having rental income from commercial properties. Sir, the owner, if he sells, land owner sells any floor out of the constructed area, he would be subject to GST. So far as transfer of development rights, although that is taxable in the hands of the supplier, that is land owner, but it is subjected to tax under RCM by the promoter. So these are the two tax positions. Next question, sir. Rayinder Mutaji, sale of TDR, whether taxable? If yes, at what rate? I have already answered, sir. 18%. Taxable 18%. Under RCM. Atul Puri is asking, when land transfer is nil taxable, why in joint development agreement the land transfer is taxable? When land transfer is nil taxable, why in joint development agreement the land transfer is taxable? Sir, that's what I spoke for at least 15 minutes, that the transfer of development right is the benefit arising out of land, is the transfer of land only, and that should not be subject to tax. But because the law is framed like this, it is not yet challenged in the court of law also. So the moment the wisdom of the judiciary shall apply on this legal, paradox, then certainly the wisdom shall prevail and it would not be taxed. Achha, Vidya ji ka bhi question chhod dete hum. Again, if carpet area is more than 15%, whether entire project will be commercial? Entire project would be real estate project, but not residential real estate project. It would not be considered to be commercial. Okay. Next question, Babuji is asking, in the case of land plot JD, joint development,
only develop land and sell to customer. GST applicable, if applicable, on which value? If only land is developed, it is outside the preview of GST. No tax, sir. Okay. Suradev ji asking 80% value year-wise? Yes, sir, year-wise. Again asking, sir, my query is 80% calculation year-wise or project-wise? Sir, 80%. Here, if you have various projects, different projects, then of course project-wise. But otherwise, अगर आप books of accounts अलग बनाते हैं projects की, then आपको project-wise 80% match करना पड़ेगा. It's a good question, sir. Next, whether TDR is treated as supply of service? Yes, sir. It is supply. Yes, ma'am. It is supply of services only. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का हरमन जी जी आस्किंग जनरल केस ऑफ रेजिडेंशियल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बिल्डर टेक्स वन फ्लोर एंड ओनर गेट थ्री कंस्ट्रक्टेड फ्लोर्स माय क्वेश्चन इज इफ बिल्डर डज नॉट सेल हिज फ्लोर बिफोर कंप्लीशन देन इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम ऑन जीएडीए इफ द बिल्डर डज नॉट ओके सर लेट्स कंप्लीट फर्स्ट सर अपार्ट फ्रॉम दिस does the builder has to pay GST on portion of construction done on three floors under works contract? I have given you the answer, but sir, I am repeating it. If the builder does not sell the floor before completion, then it is not subject to GST. Then the entire JDA shall be taxed under reverse charge at the rate of 18% by the promoter. And the builder has to pay tax, has to charge tax to the land owner on the construction services provided by the promoter to the land owner of the three floors. If you go by law, sir. Next question. Anika question hai ji Harman ji ji ka. Also, will the land owner be liable to pay GST if he constructs his property by his own and then while under construction he sells his floor? He is not a developer in personal capacity. He is a developer only. He is a land owner, come developer then. And if he constructs himself, then he is not supplying. He is supplying to himself. There is no construction services. But when he sells the floors before construction and books the floors before construction, it will be subject to tax as usual. Yes, yes. Next question, sir. Sir, land acquisition by government and awards TDR, then TDR taxability same as you discuss. Sir, TDR is taxed under reverse charge, so the government shall pay the tax. Okay. Whether input tax credit is available on TDR? Sir, no input tax credit available other than purely commercial projects. Reduce rate, no input tax credit available. If you pay TDR in commercial projects, credit available. Last question, Vidya ji ka, difference between promoter, developer and builder. Sir, ye to de chuke hain sir. Promoter, developer, builder, ek hi baat hai. Koi difference nahi hai. एक और क्वेश्चन है फ्लैट परचेज बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बिल्डर एंड बिल्डर चार्ज जीएसटी ऑन सेल प्राइस बायर इज एन इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी हाउ टू डील फर्स्ट फ्लैट परचेज बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बिल्डर एंड बिल्डर चार्ज जीएसटी ऑन सेल प्राइस बायर इज इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड सर इफ बायर इज एन इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी देन हाउ टू डील व्हाटएवर टैक्स इज चार्ज्ड बाय द बिल्डर यू पे अकॉर्डिंगली Yes. If you want to take credit, credit is never available for construction activity, section 17.5 clause C and D. So nothing is happening, sir. People ask me, oh, I bought a property, I paid GST to the builder. Can I take the credit? Can I get the refund? No. Nothing doing, sir. How to deal, sir? How to deal what? I am at the receiver's end. I am going to buy a particular product. And whatever tax rate is charged on that product, it is my obligation to pay that tax rate. Tax. Thank you, sir. Thank you very much for answering and all the question. I request our convener Sunil Dhamija ji, sir, for a formal vote of thanks, sir. Over to Dhamija ji, sir. Thank
Very excellent deliberation by our friend Rajinder ji. Rajinder ji, आपने GST को सॉरी लैंड की ट्रांजेक्शन TDR की एक दोस्त की तरह समझाया. You have really explained like a friend and in such a threadbare manner that you have tried to tied upon each and every limb of that transaction. It's a real excellent way of your presentation. We are really thankful to you. We expect Rajesh ji to again invite you and clear the doubts of our members if they are